सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज शुभम गॉयस फ्रॉम शुभम ब्लॉग्स। तो गाइस, आज बहुत दिनों बाद मैं राइड के लिए निकला हूँ। तो मैं एक जगह जा रहा हूँ जो मुझे भी ठीक से नहीं पता, क्योंकि विशाल को बताया तो वो मैं विशाल के डायरेक्शन में जाऊँगा, तो इसलिए बने रही मेरे साथ। तो मिलते हैं आपको विशाल के घर में। बाय बाय। सो राइड शुरू। विशाल के घर कैसे निकल गए? तो हाईवे में मिलते हैं, यहाँ तो ऐसे दिखाने लायक कुछ है नहीं। तो सनराइज हो गया है, सनराइज हो गया है। क्या खूबसूरत नजारा है वहाँ पे, काश वहाँ जा सकते हैं, लेकिन हम लोग का डेस्टिनेशन उस साइड में है तो वहाँ जाके फायदा नहीं है अभी। मैं बोल रहा हूँ अगर यहाँ पे जाता तो सनराइज क्या मस्त दिखता। अरे तू चल ना, मैं तेरे को सनराइज दिखाता है मेरा बाबा। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। सुबह का जो राइडिंग होता है मजा होता है, क्योंकि धूप पीछे में, धूप नहीं मतलब सनराइज पीछे में या आगे में कभी कहीं भी होता, लेकिन होता गर्मी लगता नहीं है। लेकिन जब 10-11-12 बजे जो राइड होता है, मैं कसम छट के 4 हो जाते हैं। तो वो देखिए ट्रेन सब आ रहे हैं। नजारे देखिए, एक बार सनराइज देखिए क्या मस्त लग रहा है। एक तो कोरोना के वजह से सब कुछ खत्म हो गया है, कुछ ट्रेन वन चलता नहीं है, लिमिटेड ट्रेन है। ओह माय गॉड, क्या सनराइज है। बहुत दिन हो गया सनराइज नहीं देखने का नहीं मिला। सुबह उठना ही बंद कर दिया, 7-8 बजे उठता है। ये मेरा वर्कशॉप है पता है, यहाँ मैं 3 महीने आया, यहाँ कुछ काम नहीं होता है, आता है खाता है सोता है फिर वापस चला जाता है घर में। यहाँ मेरा 3 महीने का ये ट्रेनिंग है सोने का। चमत्कार है, ये तो गोल्डन आवर हो गया। ये देखिए गाइस, मोर टू कम, क्या नजारे, चिल ब्रो। When you feel it's hopeless, when you think that you lost all, I will take your hand and we'll rise up from the dust. Oh, here we go. तो यहाँ ऐसा हो रहा है कि बहुत कंसंट्रेट करके चलाना पड़ रहा है, क्योंकि एक तो आगे में कुछ दिख नहीं रहा, टर्निंग्स बहुत मतलब कुछ दिख नहीं रहा है आगे में क्या है नहीं है, क्योंकि टर्निंग्स पूरा ब्लाइंडली टर्निंग्स है यहाँ पे। और नीचे में आपका ये बोल सकते हो मतलब पेबल्स है, बहुत छोटे छोटे पेबल्स जो आपको स्किड करने के लिए बहुत अच्छी तरीके से हेल्प करेंगे। तो इसलिए यहाँ पर भी थोड़ा केयरफुली चलाना पड़ रहा है, 20-30 का स्पीड से चलाना पड़ रहा है। और यही मज़ा है विलेज में, आप आइए आराम से चलाइए, नज़ारे का लुफ्त लीजिए। पता नहीं ऑडियो कैसा आ रहा होगा, ये गोप्रो का पंगा हो गया, बिना यूज़ किया बैटरी डाइड, और माइक में पता नहीं क्या क्या, कभी भी कुछ भी अच्छा पकड़ता है कभी गंदा पकड़ता है, कुछ समझ में नहीं आता है इसका क्या लॉजिक है। असम का सीज़न मतलब एक चीज़ है जो मैंने नोटिस किया है इन 6-7 सालों में, अगर गर्मी होगा तो एक्सट्रीम गर्मी, अगर बारिश होगा तो एक्सट्रीम बारिश मतलब बाढ़ ला देने वाला बारिश, और ठंडी होगा तो एक्सट्रीम ठंडा जो मतलब आपको जमा देगा, ऐसा ठंडा होता है। लुक एट द व्यू मैन, तो ये ना पंचोपुर का रास्ता है। तो ये पंचोपुर की कहानी है, जब मैं और विशाल फर्स्ट टाइम जब यहाँ पे आया था
तो ये जगह इतना नोन प्लेस में नहीं था, मतलब बहुत खाली खाली, जब भी आया 10-11-12 बजे हमेशा खाली मिलता था। ये करीब करीब आपका ये 5-6 साल पहले का बात है, तो हम लोग साइकिल में यहाँ पे आया करते थे तब, तो उस टाइम पूरा खाली खाली, आओ नहा चला जाओ अपने घर में, कोई टेंशन नहीं है। अभी ऐसा हो चुका है, अभी जगह ही नहीं मिलता ये वाली जगह में, मतलब नहाने का जो मतलब मेन स्पॉट है, वहाँ पर बैठ के जो मतलब बस पानी गिरता है आपके बॉडी में, क्या मस्त फीलिंग होता है, तो मिलता ही नहीं। पिछला बार आधा लोग के साथ गया मैं और दूसरा दोस्त लोग के साथ, तो मिला ही नहीं जगह यार। एक घंटा के समय वहीं पे बैठा था, हम लोग को सोचा हम लोग मिलेगा मिलेगा, तो बाद में हम लोग ने कहीं और ही मतलब थोड़ा पार करके एक जगह आता है, तो वहीं पे हम लोग नहा वहा लिया, एंजॉय वंजॉय किए। वो ये टूरिस्ट अट्रैक्शन हो गया अभी, लेकिन कुछ कुछ चीज़ है जो हम लोग बहुत पहले पहले गए तो मतलब उस टाइम इतना वो होता नहीं था, मतलब क्या बोले, अभी भीड़ नहीं होता था। जैसे आपका ये नाकाटी, तो पहले मेरा दोस्त लोग गया था बिट्टू वो लोग, तो मैं कंप्लीट नहीं कर पाया नो डाउट, लेकिन जाने टाइम में कोई था नहीं, आने टाइम भी कोई था नहीं। नजारे हाँ? नजारे ला ला ला, ला ला ला, तो यही है नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट का ब्यूटी, चारों तरफ पेड़ ही पेड़, आप जहाँ जाएंगे वहीं पे पेड़ मिलेगा आपको। क्या नजारे, ये मेरे लिए नया रूट है, नया एक्सपीरियंस। नजारे देखो भाई, क्या मस्त लग रहा है यार, हर एक मोड़ पे सीनिक व्यू आ रहा है। यहाँ देखो पहाड़ और यहाँ देखो खेत, अलग ही वाइब्स है यहाँ पे। तो यहाँ ऐसा हो रहा है, हर मोड़ के बाद रुकना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ का व्यूज़ क्या मस्त है यार, पूरा गोल्डन गोल्डन बना हुआ है। तो आपने सिनेमेटिक्स में देख ही लिए होंगे क्या मस्त व्यू है यहाँ पे। तो चलते हैं, सफ़र आगे जारी रखते हैं। और तो आशा करता हूँ आपने यहाँ तक तो देख लिया होगा, तो आपको सिनेमेटिक्स कैसा लगा आप बताइए एक बार। तो सफ़र आगे जारी रखते हैं नज़ारे के साथ, चाहे ये वीडियो 2 पार्ट में क्यों ना बन जाए, बनने दीजिए।